ओके फ्रेंड्स, अगर आप भी सोशल मीडिया पे भैया एक्टिव हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और दोस्तों, सोशल मीडिया जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया यानी हर एक वो प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी वीडियो, अपना मैसेज, अपना इमेज, अपना ऑडियो, हर एक चीज़ शेयर करते हो, बात करते हो, एक दूसरे से शेयर करते हो, अपलोड करते हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो ड्राइव हो, चाहे यूट्यूब या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड मोर ट्विटर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर सोशल मीडिया का नाम आते ही आप समझ सकते हो कि यहां पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी कई ऐसी वीडियो बनाई, यानी दो ऐसी कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। और उसके बाद अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके कमेंट सेक्शन आप जाके पढ़ो। आप हैरान हो जाओगे कि लोगों का कमेंट जब आता है और जब मैं पढ़ता हूँ, लोग जब मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि भैया इंस्टाग्राम पर प्लीज़ सर मेरे की हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस समस्या से, इसी में से एक क्वेश्चन, एक कमेंट ऐसा था जिसको देखने के बाद और पढ़ने के बाद ना ये सहम सा गया, बिल्कुल मैं हैरान हो गया कि आखिर में मतलब कैसा कोई ऐसे कर सकता है और कैसे मतलब किसी के जीवन से कोई खिलवाड़ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कमेंट भी दिखा रहा हूँ। संगम चौरसिया जी का एक कमेंट था जिसमें से उन्होंने बोला कि सर मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ और आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ सेम, और आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। दोस्तों, हर चीज़ तो खरीदी जा सकती है, लेकिन जो दोस्ती है और जो दो ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये नहीं खरीदा जा सकता किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पे जो एक फ्रेंडशिप जो है ना, ये कभी नहीं खरीदी जा सकती है। और इसका दर्द आई थिंक संगम चौरसिया से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, अब मैं तो अपने उस दोस्त की बात बताता हूं जिसके साथ ऐसा हुआ था। जब वो सहम गया था इतना, जब वो डर गया था, तो आप सोचिए जिसको एकदम जानकारी ना हो, जिसको कुछ पता नहीं हो, उनके क्या हालात हो गए। दोस्तों ऐसे ही आज अगर आप देखोगे, 5 घंटे पहले या 6 घंटे पहले एक कमेंट और आया है जिनमें से कोई उन्होंने बताया कि सर जो है मेरे साथ बिल्कुल सेम ऐसा केस हो रहा है, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है और मेरे से पैसे मांग रहे हैं, बट मैंने उसको जो है इंस्टाग्राम मतलब अपना व्हाट्सअप के ऊपर ब्लॉक कर दिया है, तो क्या मेरा समस्या खत्म हो गया या नहीं हो गया, सर मदद कर दो। ऐसे कमेंट और भी हैं कि सर जो है मेरे से 3 बार पैसा ले चुका है, 11,000, 12,000 रुपये, तो सर बताओ कि क्या अभी मेरा वीडियो अपलोड करेगा या नहीं करेगा। ऐसे सर बहुत सारे क्वेश्चंस आप जाके एक बार कमेंट पढ़ो, आप जाके हैरान होगे कि यार लोग कैसा कर रहे हैं आज इस डिजिटल की दुनिया में, लोगों को कैसा ब्लैकमेल करके बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं और बहुत मोटी रकम उनसे वसूल रहे हैं। जिसमें अब देखो ये वाली बात हो गई कि अगर किसी ने आपकी ऐसी ब्लैकमेल वाली यार कोई भी ऐसी न्यूडिटी के साथ, कोई भी ऐसी गंदी फोटो के साथ, किसी भी तरीके से, किसी माध्यम से अगर आपकी एक वीडियो बना लिया और आपको एक स्क्रीनशॉट या किसी भी माध्यम से ऐसे कुछ भी शेयर कर दिया, तो डर तो आपको लगेगा ही लगेगा। और खास करके उनको सबसे ज़्यादा डर लगेगा जो स्टूडेंट होंगे, जो हॉस्टल्स में रहते होंगे, या जो लोग एक मैरिड लाइफ होगी, ऐसे लोगों को तो सबसे ज़्यादा। देखो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, लेकिन ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर होंगे। स्टूडेंट कभी अपनी फैमिली से बता नहीं सकता कि आखिर में, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक जब बंदा मेरे को जब कॉल किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो भी यही चीज़ बता रहा था कि मुझे सर कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी आइडेंटिटी जो है बाहर आए, मेरे मम्मी पापा को पता चले कुछ भी कि मेरे साथ ऐसा ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ऐसे मेरे से पैसे मांगा जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसे बहुत सारा चीज़। तो मैं ये आपको तजुर्बे के तौर पर ही बता रहा हूँ कि जब लोग मुझसे शेयर करते हैं अपनी पूरी स्टोरी कि आखिर में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, तो गाइस आप सभी लोगों को एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हो बट प्लीज़ और प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपनी फ़ोटो, इमेजेस, और ख़ास करके जो गलत साइटें हैं, जो गलत वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर तक कभी विजिट मत करें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ मैं, उसने यही किया था, किसी गलत साइट पे जाके विजिट करके वहाँ पर जो है कुछ भी जो अदर नंबर्स वगैरह वहाँ बता रहा था, वो कि नंबर वगैरह वहाँ पे दिए गए थे, उस पर उसने कॉल किया और कॉल करके सामने वाले ने वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद उसने पैसे भी दिए
तीन चार दफा पैसे भी दिए और आज भी कॉल करता कि पैसे दो। अब आप सोचो, ये वो वाली बात है, जब तक उस बंदे का पेट भर नहीं जाएगा तब तक, जब तक उसको जरूरत पड़ेगी तब तक इससे पैसे वो उसको ऐंठता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल स्कैम चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले वाली पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू देखिए, और आई थिंक ये मेरा पार्ट थ्री होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों एक बात और बता दूं यहाँ पर, कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ, किसी भी रिलेशनशिप के साथ, किसी के साथ भी ऐसा कोई समस्या हो रहा है, कोई आपको वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल बना के या वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरिए मत। अरे यार, डर किस बात का, जब आपने गलती ही नहीं किया कोई, तो आपको डरना क्या है, डरना किस बात का। सीधा आपको क्या करना, इस पे www.cybercrime.gov.in, इस पे आपको मैंने पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको रिपोर्ट दायर करनी है, कैसे आपको कंप्लेन दर्ज करनी है। आप कंप्लेन दर्ज कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी चाहती है कि ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके से किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी से ऐसे ब्लैकमेल करके किसी से पैसे वसूलते हैं, उन सभी लोगों को कब्जे में किया जाए, ताकि ये जो एक ग्रोह है, जो एक ऐसा संगठन चल रहा है, उन सभी तक पहुंचा जा सके और उसको पकड़ के सलाखों के पीछे यानी जेल में उसको डाला जा सके। इसमें दोस्तों आप सभी लोगों की मदद चाहिए। अगर आपके किसी भी दोस्त के साथ, यार दोस्त के साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो उसको रिकमेंड कीजिए कि वो छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाने से चीज़ वो कभी ख़त्म नहीं होगी, छुपाने से कभी वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो दिन ब दिन आप उसमें घुटते चले जाओगे और उस जाल में आप फंसते चले जाओगे, और कब उसको पैसे की ज़रूरत हो, कब आपकी घंटी बज जाए, कुछ भी पता नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो का टाइटल लिखा था कि मेरा फ्रेंड्स इस दुनिया में नहीं रहा। और दोस्तों ये, चाहे वो संगम चौरसिया जी का फ्रेंड था, अगर उनका ही फ्रेंड था तो वो हमारा भी फ्रेंड हुआ। दोस्तों इस तरीके से कितने सारे मित्र हैं, कितने दोस्त हैं जिनके साथ आज भी गलत हो रहा होगा। और अगर आप जानते हो ऐसे लोग को, किसी को भी ऐसा जानते हो जिनके साथ ऐसा ब्लैकमेलिंग हो रहा है, कुछ भी ऐसे गलत चीज़ हो रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि भैया आप उनका हौसला बढ़ाइए, उनको बोलिए कि आप डरो मत, आप जो है इस चीज पे आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए, साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट कीजिए, ताकि उसके ऊपर एक्शन हो और साथ ही साथ उसका कार्रवाई की जाए। इसके लिए आपको कुछ ठोस आपको सबूत की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप उसके जाल में फंस गए, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए आप उसके जाल में फंस गए, तो आपको करना क्या है, आपको अगर मान लीजिए जाल में फंस गए, सामने वाले ने आपको वीडियो कॉल किया, तो आप ट्राई कीजिए कि उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखिए कि सामने वाले ने आपको वीडियो कॉल किया, और वो हर नंबर रखिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग समय पे आपको कॉल करता है, मल्टीपल नंबर से कॉल करता है, नंबर आप नोट डाउन करके रखिए, साथ ही साथ हो सके तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी रखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भैया अगर आप पैसा भेजना भी चाहते हैं, उसकी पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको बोलो कि पैसा तो मैं भेज दूंगा भैया, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, हमें तो भैया कोनो चीज़ पता ही नहीं है, अब हम क्या करें। तो भैया आप एक काम कीजिए, अगर आपका अगर तुमका पैसा चाहिए, तो भैया एक काम करो कि हमें आप अपना बैंक डिटेल दो, ठीक है, आप उनसे बैंक डिटेल लो, आप बोलो कि हमें भैया कुछ नहीं पता है, हम जन्म नहीं करते हैं कि भैया कौन सा पेटीएम, फ़ोनपे, UPI, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम का होता है, भैया हमें क्या पता है। तो आप ट्राई कीजिए उससे बैंक इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि अगर आपने बैंक इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आप समझ लीजिए आपके पास ठोस और पक्का सबूत मिल गया, जिससे कि आसानी से उसकी गर्दन को पकड़ा और जा सके। तो उससे ये है एक तरीका, यूज़ कीजिए, किसी की लाइफ बच सकती है, जैसे संगम चौरसिया के मित्र के साथ हुआ, किसी और के मित्र, किसी और का बेटा, किसी और का भाई, किसी और का हस्बैंड ऐसे कदम ना उठाए। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ऐसे जो लोग भी हैं इस बात का ध्यान रहे, अगली मेरी आने वाले कुछ टाइम के बाद एक वीडियो आएगी, डिजिटल तरीके से जो लोग किसी को ब्लैकमेल करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जो कोई भी, पूरी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो आने वाली है,
कैसे बचोगे, कैसे उसको पकड़वाओगे, सब कुछ पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। कौन सा गवर्नमेंट ने नंबर जारी किया है वो हर एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट आने वाली एक वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना ताकि आप भी ऐसे डिजिटल फ्रॉड से आप बच सकें, और ताकि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो ताकि वो भी पकड़ा जा सके। सब कुछ पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो आई की फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कीजिए, डीएम करो, रिप्लाई करूँगा। मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।